तो भाई कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज भाई मेरे पास यहाँ पर पोको की ओर से पोको X6 5G, तो भाई मैंने फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर किया है और आज ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। तो भाई सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई इसी स्मार्टफोन के रिव्यूज़ के ऊपर। गाइज ये है हमारे पास यहाँ पर भाई पोको X6 5G, तो फटाफट से भाई इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो मैं इसको भाई फटाफट से पहले को आपको खोल के बता सकता हूँ। बॉक्स में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है पोको X6 5G, तो इसको भाई फटाफट से निकाल लेते हैं और इस जो फ्लिपकार्ट का बॉक्स है इसको करते हैं साइड। भाई बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जब आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे, और फ्लिपकार्ट पे भाई यहाँ पर 2000 का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। और भाई ये ओपन बॉक्स डिलीवरी में आता है तो इसलिए सारी सील आप देख रहे हो यहाँ पर खुली हुई है इस टाइम। और इसमें भाई आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है पावरफुल स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, और यहाँ पर आपको 1.5K की भाई 120Hz वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आपको भाई 67W का टर्बो चार्जिंग वाला चार्जर देखने को मिलता है भाई बॉक्स में ही। 64MP का ट्रिपल कैमरा विद OIS आपको देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। भाई जो मॉडल है मेरे पास वो है 8GB 256GB, तो भाई ये सबसे अच्छी बात है कि 20,000 रुपये के अंदर आपको 8GB 256GB देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ। भाई कैमरा टेस्ट भी इसका लेकर आऊँगा कि किस तरीके का आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि भाई पोको के कैमरा उतने अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते। और सबसे पहले भाई यहाँ पर अंदर हमें देखने को मिल जाता है ये एक बॉक्स जिसमें कि आपको दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपको दोस्तों कवर देखने को मिल जाती है इसकी। तो भाई ये अच्छी बात है कि आपको जो कवर है वो बॉक्स में ही देखने को मिल जाती है। तो भाई कवर भी आपको भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। अगर आप चाहें तो भाई अपने तरीके से अपग्रेड करा सकते हो, लेकिन जो ये कवर है भाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और भाई इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है अपना प्यारा सा स्मार्टफोन। तो इसको एक बार में हम रखते हैं साइड, भाई बॉक्स में पहले चेक कर लेते हैं। बॉक्स में हमें उसके बाद देखने को मिल जाता है भाई एक 67W का यहाँ पर चार्जर। तो भाई आप देख सकते हो भाई डिज़ाइन बाय Xiaomi, तो जैसे कि हमें पता भाई जो पोको है ये Xiaomi की कंपनी है, तो आपको यहाँ पर चार्जर जो है वो Xiaomi का देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई 67W का चार्जर हमें बॉक्स में देखने को मिल रहा है। आपको भाई यहाँ पर जो केबल देखने को मिलती है वो भी है भाई टाइप सी, तो आजकल सारे फ़ोन में टाइप सी आ रही है, तो यहाँ तक कि एप्पल ने भी टाइप सी देना शुरू कर दिया है। तो भाई टाइप सी आपको केबल देखने को मिलती है। साथ ही भाई जो ये बॉक्स है इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल भी अंदर ही देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप दोस्तों उसे भी निकाल सकते हो बाहर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टूल देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये है हमारे पास यहाँ पर पोको, अब इसे हम ओपन करेंगे। तो भाई ये मेरे पास जो कलर है भाई आप देख सकते हो भाई ये आपको मिल जाता है ब्लैक कलर। यहाँ पर ब्लैक कलर में इतना सुंदर ये फ़ोन हमें देखने को मिल सकता है भाई, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पर फील देखने को मिल रहा है। और भाई काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन है, इसका डिज़ाइन भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा है। जब इसको हाथ में यहाँ पर मतलब मैं भाई फील कर सकता हूँ किस तरीके का हमें जो डिज़ाइन है वो पोको वालों ने दिया है यहाँ पर। अब भाई जो इसका वेट है भाई वो भी इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, ऑलमोस्ट भाई इसमें 5100mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी जो इसका वेट है वो मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो भाई इसको यहाँ पर करता हूँ मैं ओपन, अगर इसमें बैटरी होगी तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो भाई इसके ऊपर और बातें कुछ कर लेते हैं। आपको अपर साइड में भाई आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है भाई 3.5mm वाला जैक। साथ में दोस्तों स्पीकर ग्रिल्स हमें देखने को मिल जाती है। एक सेकेंडरी माइक फोन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। IR ब्लास्टर भाई आपको यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हो। और भाई यहाँ पर MIUI यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता भाई इसमें जो MIUI 14 हमें देखने को मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसको मैं फटाफट से एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पर हो रहा है अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है सिस्टम, थोड़ी सी और बातें यहाँ पर कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जो इसकी बॉडी है भाई ये मिल जाती है पूरी प्लास्टिक की देखने को, ये आपको मेटल की देखने को नहीं मिलेगी। नीचे यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलता है जो प्राइमरी माइक है इसका। साथ में दोस्तों यहाँ पर टाइप सी आपको चार्जिंग का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाएगी और सिम यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो भाई यहाँ पर ये भी हो चुका है रेडी, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर 59% आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जब ये मैंने अभी ओपन किया। तो वाईफाई में बंद कर देता हूँ। ब्राइटनेस अगर मैक्सिमम मैं बात करूँ भाई काफ़ी ब्राइट फ़ोन है ये आप देख सकते हो। और जिसकी दोस्तों अगर साइड से हम बात करें डिस्प्ले की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, सब कुछ साइड से भी हमें प्रॉपरली यहाँ पर दिख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साइड से कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, आप यहाँ पर देखिए ये आपको जो चीज़ें देखने को मिली जिस पर आपको डॉट दिख रहे होंगे, तो इन डॉट्स को भाई आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इसमें भाई बहुत ब्लोटवेयर हमें देखने को मिलता है। तो इसे भाई हमें खुद से यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये रैम यहाँ पर स्टोरेज आपका सब कुछ यहाँ पर किल करने वाले होते हैं। तो इसको हम दोस्तों करेंगे अपने हिसाब से डिलीट। का आइकन है जो मुझे पर्सनली तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अजीब सा है। जैसे पहले B612 नाम का एक ऐप आता था कुछ इस तरीके का, तो लेकिन अगर हम बात करें कैमरा की तो भाई कैमरा कुछ इस तरीके का है यार। कैमरा वैसे सही काम कर रहा है इस टाइम यहाँ पर। तो एक मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ,
ओ वाह, इसमें आपको भाई अल्ट्रा वाइड मिलता है 0.6x का, आप इसमें 2x तक जा सकते हो, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्वालिटी देखने को मिलती है 4x तक भाई, तो 4x की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, काफ़ी शार्प है यार। तो बाकी तो भाई कैमरा डिटेल इसका, बाकी भाई कैमरा रिव्यू इसका डिटेल में मैं करने वाला हूँ, बाकी रिजल्ट काफ़ी शार्प है आप देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड में भी दोस्तों काफ़ी शार्प रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों लाइटिंग कंडीशन है, तो लाइटिंग कंडीशन में सारे फ़ोन यहाँ पर अच्छा वर्क कर लेते हैं, चेक करके भाई मेन कैमरा इसका कैसा वर्क करता है आउटडोर में, और ह्यूमन सब्जेक्ट यहाँ पर कैसे कैप्चर करने वाला है। ये था इस फ़ोन की कंप्लीट अनबॉक्सिंग, यहाँ पर हमने देखा क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के साथ, और फ्लिपकार्ट की दोस्तों यूनिट थी, अगर आपको मंगवाना है तो भाई आप मंगवा सकते हो, अभी यहाँ पर आपको डिस्काउंट 2,000 रुपये का इस पर देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई, काफ़ी स्मूथ चलता है इसमें, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी हमें देखने को मिल जाता है, तो भाई लैग वगैरह का इशू तो मुझे लगता नहीं इसमें आने वाला है जल्दी, काफ़ी स्मूथ है यार, आप कुछ भी खोलो। आपने भाई कमेंट करना है कि इस फ़ोन के ऊपर आपको कौन सी वीडियोज़ यहाँ पर और देखनी है।